हेलो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में हम विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि विशेषण की क्या परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठी, ठंडा, रंग बिरंगी, सुंदर, ये सब विशेषण है। अब जैसे उदाहरण दे लीजिए, आइसक्रीम ठंडी होती है। इसमें आइसक्रीम कैसी है? ठंडी है। तो ये ठंडी क्या होगा? विशेषण होगा, क्योंकि आइसक्रीम की विशेषता बताई जा रही है कि आइसक्रीम कैसी है। आइसक्रीम ठंडी है। इसी तरह आप बना सकते हैं रंग बिरंगी तितली, ठंडा पानी, मीठी चाय, ये सब क्या होंगे? जो इसकी विशेषता बताएं। जैसे चाय मीठी है, तो चाय कैसी है? मीठी है। तो मीठा क्या होगा? उसकी विशेषता होगी चाय की। ठीक है। रंग बिरंगी तितली, रंग बिरंगी तितली, तितली कैसी है? रंग बिरंगी है। तो तितली की विशेषता क्या है? क्यों कैसी है? रंग बिरंगी है। तो ये भी विशेषण। अभी मैंने आपको विशेषण बताया बच्चों, अब हम जानेंगे विशेष क्या। तो चलिए विशेष की परिभाषा जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष। विशेषण क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण।